फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं आलू तुरई की सब्ज़ी। आलू और तुरई की सब्ज़ी हम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल लिया है और उसमें 3 से 4 हरी मिर्चियों को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और यहाँ पर 2 प्याज हैं जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैं कट करने से पहले प्याज को अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद प्याज को कट कर लेती हूँ। तभी हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब तक हमारे ये ट्रांसपेरेंट कलर की प्याज ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है और बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर रेडी होती है। आप सभी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट भी हो चुकी है। अभी हमें इतना ही करना है इसको। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 चाय चम्मच, और इसी में हम नमक ऐड करेंगे बिल्कुल 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। में मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च का पाउडर। मैं इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च ऐड कर चुकी हूँ। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको और कम पसंद हो तो इसमें आप कम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसे 2 मिनट्स के लिए पकने देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारे प्याज, मिर्च, नमक, हल्दी, जो भी हम मसाले ऐड करे हैं इसमें, वो अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं इसमें छोटी मेथी ऐड करूँगी। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोटी मेथी ऐड करने से हमारे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, फ्लेवरफुल हो जाती है वो। अभी हम इसी में आलू ऐड कर लेंगे। और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आलू को भी मैंने यहाँ पे, मैं 2 आलू ली हूँ, मीडियम साइज़ के हैं, लगभग 150 ग्राम्स आलू हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अभी हम इसको इसके ढक्कन से कवर कर कर आलू को अच्छे से गलने तक, अच्छे से यानी कि 85-90% तक गलने तक हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें तुरई ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा आलू अच्छे से पक रहा है और हमें जितना इसको गलाना था उतना ऑलमोस्ट गल चुका है ये। अभी हम इसमें तुरई ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया था ताकि हमारे आलू गलने में थोड़ी हेल्प हो जाए।
अभी हम इसमें तुराई ऐड करेंगे। ये देखिए तुराई को भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अच्छे से इसका जो ऊपर का छिलका होता है उसको मैंने साफ करके इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी तुराई को ऐड कर दिया है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो है ना हमारी बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्द तेज़ी से बनने वाली सब्ज़ी बहुत ही आसानी से और साथ में बहुत ही मज़ेदार भी बनती है ये। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम फुल रखा है ताकि जो तुराई से पानी छूटेगा वो अच्छे से सूख जाए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको ढक्कन से कवर करके तुराई के गलने तक हम इसे पकाएंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे तले से लगे नहीं। तो चलिए जी ये देखिए हमारा आलू और तुरई की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट ये बनके और बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुई है और बिल्कुल ही कम इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल सिंपल वे में। अभी हम इसमें सब्ज़ी मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा इसका फ्लेवर और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें दो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तुराई ऐड करने से पहले दो टमाटर ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, उसके बाद तुराई ऐड करें। और अगर आप चाहें तो इसमें कोथमीर भी हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टमाटर और हरा धनिया यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल वे में इसी तरह बना रही हूँ मैं। तो ये हमारा सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। इतनी सी हमें ग्रेवी रखना ही है। तो चलिए जी इसी के साथ ही हम अपना वीडियो करते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आप सब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और अपने दुआओं में अपने ब्लेसिंग्स में हमेशा हमेशा मिल करिए। हम भी आप सबको अपनी दुआओं में अपनी ब्लेसिंग्स में हमेशा शामिल करते हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।